हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो जूनियर एडेड में वैकेंसी निकली हुई है इंग्लिश लैंग्वेज की, और TGT, PGT और GIC में जो वैकेंसी निकली हुई है लेक्चररशिप की, उन सभी की हम तैयारी करा रहे हैं। तो उसी में हम नेक्स्ट, अब जो सीरीज चल रही है आपका, जिसमें विलियम शेक्सपियर हो गया, विलियम बटर्सवर्थ हो गया, द यंगेस्ट रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स हो गया, आज आपका PV शैली होगा। ठीक है, तो देखिए, PV शैली का फुल नेम है पर्सी वाइसी शैली। वाज बॉर्न ऑन 4th अगस्त 1792 एंड डाइड ऑन 8th जुलाई 1822। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम ध्यान देंगे। एट ईटन ही वॉज नाइक नेम्ड द मैड शैली, यानी कि ईटन में जो था इनका, जो ऑक्सफोर्ड ईटन में जहाँ ये पढ़ते थे, इनका जो नाइक नेम था वो मैड शैली। ठीक है, तो देखिए, देयर ही फील इन लव विद ए प्रीटी गर्ल ऑफ 16 नेम्ड हैरेट वेस्टब्रुक। जब ये पढ़ते थे और वहाँ जो 16 साल की एक लड़की थी जिसका नाम था हैरेट वेस्टब्रुक, उनसे ये प्यार करने लगे थे। व्हेन सैली हिमसेल्फ वाज ओनली 19 ईयर्स ऑफ एज, और उस समय जो थे सैली की उम्र 19 यानी केवल 19 वर्ष की थी। दे रेगुलरली मैरिड इन 1811, और तब उन्होंने अनियमित पूर्वक से 1811 में उससे शादी कर ली थी। ठीक है, दिस मैरिज हाउ एवर प्रूव्ड वेरी अनफॉर्चुनेट एंड हैरेट कमिटेड सुसाइड इन 1816। अब देखिए, उस ये जो मैरिज थी इनकी ज़्यादा सफल नहीं रही, और 1816 में हैरेट ने क्या कर लिया था, कमिटेड सुसाइड कर लिया था। ठीक है, सून आफ्टर दैट सैली मैरिड मैरी गॉडविन, और तभी उसके यानी कि मृत्यु के बाद ही सैली ने मैरी गॉडविन से शादी कर ली, द डॉटर ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर विलियम गॉडविन, जो कि एक महान फिलोसोफर विलियम गॉडविन की पुत्री थी। कौन? मैरी गॉडविन। ठीक है, अब देखिए, ही रीच्ड इटली इन 1818, 1818 में इटली पहुंचा, एंड इन 1822 और 1822 में ही वाज ड्राउंड व्हाइल सेलिंग अक्रॉस द बे ऑफ स्पेजिया, यानी कि स्पेजिया की खाड़ी में जब वह अपनी नाव लेकर जा रहे थे, तभी वह उसमें नाव में यानी कि तूफान आ गया था, और तभी इनकी डूबकर मृत्यु हो गई थी। ही वाज बुरीड इन द प्रोटेस्टेंट सिमेट्री इन रोम, और इन्हें वहीं रोम में दफना दिया गया था। ठीक है, जो एक सिमेट्री इन रोम में, जो वहाँ एक जहाँ जैसे कि ईसाइयों के कब्रिस्तान होते हैं, ठीक है, उन्हीं में इन्हें दफना गया, क्योंकि ये भी ईसाई थे, इंग्लिश थे, अंग्रेज थे। ओके, ऑन हिज ग्रेव वर इंस्क्राइब्ड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम शेक्सपियर टेम्पेस्ट, और देखिए इनकी कब्र पर जो थी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की कुछ लाइनें लिखी गई थी। वो लाइनें ये हैं, नथिंग ऑफ हिम दैट डोथ फेड बट डोथ सफर ए सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, व्हाट सैली सैड ऑफ किट्स ऑन हिज डेथ केम टू बी अप्लाइड टू हिम आल्सो, ही आल्सो become one of the inheritors of unfulfilled renown. The work of Shelley, अब देखिए शैली का वर्क देखेंगे, लॉन्ग पोएम क्वीन मैब, अलास्टर और द स्प्रिट्स ऑफ सॉलिट्यूड। नेक्स्ट है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, रोसलिंड एंड हेलेन, जूलियन एंड मेडोला, द मास्क ऑफ एनार्ची, पेटरवेल, द सेंसिटिव प्लांट, द विच ऑफ एटलास, एपिसीडियन, एडोनाइस, लॉन एंड सिंथिया, लिरिक प्लेस, जो इनके लिरिक प्लेस हुए हैं, प्रोमथेमस अनबाउंड, द सेंसी, हेलास, ओडिपस, टायरेनस और स्वेल फूट द टायरेंट, सॉन्ग्स
लिरिक्स एंड सोनेट्स ओनली द इम्पोर्टेंट वंस, जो इन्हों के सॉन्ग्स ये सब जो इम्पोर्टेंट हैं हम उन्हीं को रिवाज करेंगे। ओके, मुटाबिलिटी टू कॉलरेज टू बडसवर्थ, हाईमैन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, मॉन्ट ब्लैंक्स, ओजीमेंडियास ए सोनेट है, द क्लाउड टू स्काईलार्क, लव्स फिलोसफी और टू लिबर्टी, एरिथिसस रेयरली रेयरली कम्स दाओ, ऑन द डेथ ऑफ नेपोलियन, द डच एलिमेंट, द इंडियन सेरेनेट, एरियल टू मिरांडा और टू द बेस्ट बैंड, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम टू नाइट, स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, क्रिटिकल प्रोज वर्क का डिफेंस ऑफ पोएट्री, ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथेंस। अब देखिए कुछ इनके मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, सेली वाज वन ऑफ द इनहेरिटर्स अनफुलफिल्ड रेनाउन, ही डाइड एट द एज ऑफ 30। हाउ मैनी कैंटोज आर देयर इन सेलीज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, 12 कैंटोज। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन सेलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमथोमस अनबाउंड, 4 एक्ट्स। How many acts are there in Shelley's lyrical drama The Cenci, 5 acts. How many acts are there in Shelley's lyrical play Oedipus Tyrannus, 2 acts. How many parts are there in Shelley's The Sensitive Plant, 3 parts. To whom is Shelley's The Revolt of Islam dedicated? Mary Godwin. मैरी गॉडविन को ये डेडिकेट कर देते हैं, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। विच वर्क ऑफ सॉली हैज द सब टाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड एलास्टर। टू होम इज सॉली द सेंसी डेडिकेटेड, लाइक हंट। व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज द सेंसी ए ट्रेजेडी। From which source did Shelley get the idea of writing the Prometheus Unbound? From a play by Aeschylus. Where is the scene of Oedipus Tyrannus by Shelley laid Thebes? Shelley was expelled from the Oxford University for the publication of On the Necessity of Atheism. Who called Shelley an ineffectual angle beating in the void his luminous wings in vain? Matthew Arnold. Shelley's defense of poetry is a rejoinder to Lovecock's Four Ages of Poetry. Shelley's death was caused by drowning. Life like a dome of many colored glasses stains the white readiness of eternity until death tramples it to fragments die. From which of the following poems of Shelley are these lines quoted? Adonis. We look before and after and pin for what is not. In which of Shelley's poem do these lines occur? To a skylark. Referring to Adonis, Shelley said, I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers. Who were these destroyers? The editors of both Quarterly Review and Black Boots magazine. I change, but I cannot die. What is it that changes but
dies not die on the basis of a poem by Sally the Cloud. Sally's Ariel to Miranda was inspired by Shakespeare's play The Tempest. If winter comes, can be spring be far behind? From which poem is this lines quoted or to the best wind? Which of the following books influenced Sally most? Political Justice. Sally's O World, O Life, O Time is a lyric. If fall upon the thorns of life I bleed, a heavy weight of hours has changed and vowed one to like thee, timeless and swift and proud. From which poem have these lines been quoted or to the best wind? Sally's Mask of Anarchy is a satire. Which of the following is an autobiographical poem cluster? Which of the following is written in irregular, unrhymed meter, Queen Mary? The Witch of Atlas is a narrative poem of mystery and suspense. Smiling, they leave and call life pleasure. To me, that cup has been dealt in another measures. From which poem are these lines quoted? Stanza written in dejection near Nepal. डियर फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू आपके लिए वीडियो सेंड कर रहे हैं और देखिए सभी जितने भी राइटर हैं आपके TGT, PGT और GIC लेक्चरर में और जूनियर में, उन सबकी हम वीडियो आपको बना के दे रहे हैं। इसलिए आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ और अदर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय।